व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट इन द रेसिंग। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद आई एम श्योर आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे। ये कहानी है एक डॉग की जिसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, पर वो बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है और हम वॉशिंगटन के छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पर एक एंजो नाम का डॉग रहता है। ये नाम उसके मालिक या फिर उसके सबसे अच्छे दोस्त डैनी ने उसे दिया है। डैनी एक कार रेसर है और उसने ये नाम एंजो फरारी के नाम पर रखा था। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ डैनी घर आता है तो देखता है कि एंजो हिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसे उठा के अपने साथ सोफे पर ले जाता है और इसके साथ टीवी एंजॉय करता है। पर यहाँ एंजो कहता है कि मैं एक डॉग हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही आसान और नॉर्मल होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी स्टेजेस देखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। ये बताते हुए वो हमें अपने साथ अपने पास्ट में ले जाता है जहाँ उसे पहली बार डैनी को देखा था। एंजो एक फार्म में रहा करता था जहाँ से डैनी ने उसे खरीदा था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया। डैनी ने कुछ ही दिनों में एंजो को खुद के परिवार का हिस्सा मान लिया था। वो उसे हर जगह लेके जाता था, यहाँ तक कि रेसिंग ट्रैक पर भी, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। यहाँ डैनी ने अपने समय को दो हिस्से में बांट लिया है, एक वो खुद के करियर को देता है और दूसरा वो एंजो को। और ऐसा करते देख एंजो भी उसे पूरी तरह से जुड़ जाता है और वो उसका कहा हर कहना मानने लगता है। ये वही टाइम होता है जब डैनी अपनी पीक पर था। इस समय किसी भी ड्राइवर के पास बारिश में कार ड्राइव करने का टैलेंट नहीं होता, लेकिन डैनी ये बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये सब देखते हुए एंजो धीरे धीरे अब बड़ा होता जा रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे डैनी का एंजो के लिए लगाव और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपना पूरा फ्री टाइम उसे देता है, यहाँ तक कि उसके साथ मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है और उसके साथ टीवी शो को भी देखता है। पर एक साल बाद कुछ ऐसा होता है जो एंजो को कुछ खास पसंद नहीं आता। अब डेली की तरह डैनी शॉपिंग कर रहा होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ईव नाम की लड़की से होती है। डैनी को वो बहुत पसंद थी, पर जब एंजो उसे देखता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपने अच्छे दोस्त डैनी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब ईव को नापसंद करने की एक और वजह होती है, वो थी उसे रेसिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एंजो एक डॉग है, वो बस खुद के मन में, खुद के दिमाग में ये सारी बातें सोच सकता है, किसी से कह नहीं सकता। अब डैनी को ईव के साथ खुश देखकर वो खुद को समझा लेता है और ईव के साथ एडजस्ट कर लेता है। अब धीरे धीरे ईव के लिए डैनी का प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके कुछ ही दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और इस शादी में एंजो चीफ गेस्ट होता है। पर ईव के डैड, जिनका नाम मैक्सवेल है, वो डैनी को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक कार रेसर है और इस काम में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। लेकिन ईव की मॉम को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो दिल से डैनी को पसंद करती हैं। अब उन दोनों की बातें एंजो सुन रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है, वो किसी से आखिर क्या ही कह देगा। एंजो हमसे कहता है कि लोग मुझे बेजुबान जानवर समझते हैं, लेकिन मैं भी चीज़ों को सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अब कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ईव प्रेगनेंट है और ये न्यूज़ सुन के दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब डैनी ज़्यादा से ज़्यादा रेस करने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी एक फैमिली हो गई थी और अब उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। उसके पास अब ज़रा भी समय नहीं होता कि वो एंजो के साथ खेल सके, इसलिए वो उसे ईव के साथ छोड़ देता है। एंजो को भी अब ईव का साथ पसंद आने लग जाता है, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो उसके साथ खेलती, उसे अच्छी अच्छी बातें बताती और ऐसे ही धीरे धीरे करके क्रिसमस आ जाता है। वहीं अब ईव की डिलीवरी की डेट भी करीब आ गई थी, इसलिए डैनी अब घर पे रहने लग गया था। वो क्रिसमस पर उसे एक कैब गिफ्ट करता है जो उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। वेल गाइज, मैं भी आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है जी प्लेयर ऐप। बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जी प्लेयर ऐप के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह मूवीज़ को डाउनलोड करके देखने वाले लोगों में से हैं, तो आपके लिए जी प्लेयर एक कमाल का ऐप है, जिसमें आप अपनी डाउनलोड की हुई मूवीज़ को डुअल ऑडियो में और सबटाइटल के साथ आसानी से देख सकते हैं। और इसमें वीडियो प्लेयर के साथ साथ म्यूजिक प्लेयर भी है और स्टेटस सेवर और प्राइवेट फोल्डर भी देखने को मिल जाता है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बिना मतलब के एड्स देखने को नहीं मिलते। पर्सनली दोस्तों, मुझे इसका वीडियो प्लेइंग एक्सपीरियंस और प्राइवेट फोल्डर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसका यूज़ आप अपनी ऑडियो, वीडियो और फोटो को हाइड करने के लिए कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप अपने फ़ोन की वीडियोस छुपाना चाहते हैं तो आसानी से इस ऐप से कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां सर्च करना होगा ZEA ऐप।
और जो पहले नंबर का ऐप आपको दिखता है उसे डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पर आते हैं। अब इसी बीच डैनी को जापान से एक कॉल आता है 24 आवर रेसिंग चैलेंज का। वो ये बात ईव को बताता है, लेकिन डैनी वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि ईव की डिलीवरी नज़दीक थी। लेकिन ईव उसे अपने पैशन को सपोर्ट करने को कहती है और रेस में जाने के लिए बोलती है। ये सब एंजो देख रहा होता है। उसने जैसा ईव के बारे में सोचा था वो वैसी नहीं है। वो भी डैनी से उतना प्यार करती है जितना एंजो। उसके जाने के कुछ समय बाद ईव को एक बेटी पैदा होती है जिसके नाम वो लोग जोई रखते हैं। जोई को देख के एंजो बहुत ही खुश होता है। अब उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। अब टीवी देखते समय वो कार की आवाज़ सुनता है और उसे पता चल जाता है कि डैनी घर आ गया है। वो उसके पास भागते हुए जाता है, लेकिन डैनी उसे बिना देखे ही जोई के पास चला जाता है। ये चीज़ एंजो का दिल तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी खुश था कि डैनी घर आ गया है। अब पूरी फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। डैनी ईव को बताता है कि वो कुछ ही सेकंड की मार्जिन से रेस हार गया, पर वो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन मैक्सवेल उसके घर आता है जो कि ईव के डैड है। वो डैनी को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम अब एक बच्चे के बाप हो, तुम्हें ये रेसिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए और दूसरा काम ढूंढना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे पता है, मैं सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ। अब धीरे धीरे एंजो जोई के करीब आने लगता है। वो खुद को उसका बड़ा भाई मानने लगा था। अब कुछ समय बीतने के बाद डैनी अब ज्यादा टाइम बाहर रहने लग गया था काम के चक्कर में, लेकिन एंजो जोई को अकेला महसूस नहीं होने देता, वो हमेशा उसके साथ रहता था। अब पूरी फैमिली बहुत ही खुश होती है और एक दिन जोई का बर्थडे होता है। वो अब 7 साल की हो गई थी। उसी रात डैनी ईव से कहता है कि उसे लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसे कुछ और काम करना चाहिए। वो रेसिंग छोड़ने की बात करता है और ये बात एंजो सुन लेता है और सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो डैनी को ईव से भी पहले से जानता था। उसे पता था कि उसके लिए कार रेसिंग कितनी मायने रखती है। वो नहीं चाहता था कि वो कुछ और काम करे। अब ये सारी बातें सुनकर ईव फिर भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अब उसी रात ईव के सर में कुछ दर्द होता है, इसलिए वो मेडिसिन लेके सो जाती है। अगली सुबह ईव जब सो के उठती है तो एंजो उसके पास जाके खाना मांगता है, लेकिन वो देखता है कि वो काफ़ी परेशान है और कुछ दवाइयाँ ले रही है। और जब वो उसके करीब आती है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ बीमारी हो गई है, क्योंकि एंजो को उसके अंदर से सड़ी हुई लकड़ी जैसी स्मेल आ रही थी। पर एंजो ये किसी को बता नहीं सकता क्योंकि वो तो बेजुबान है। यही सोच के वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब कुछ समय बाद डैनी घर आता है। वो कुछ परेशान सा था। पिछले कुछ दिनों में डैनी अपनी रेसेस हार रहा था जिसे उसे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो ये बात ईव को नहीं बताता। अब जब वो घर आता है तो वो ईव उसकी वीडियोज़ देख रही होती है कि कैसे वो बारिश में भी रेस कर लेता था। तो डैनी उसे इसके पीछे का सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि जब बारिश होती है तो कार स्लिप होने लगती है, पर मैं जानबूझकर कार को स्लिप होने से पहले ही उसे खुद ही स्लिप करवा देता था, जिससे कि कार मेरे कंट्रोल में रहती थी। ये सुनने में काफ़ी आसान लग रहा था, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईव की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग आने लगती है, इसलिए वो जोई को लेकर अपनी मॉम के घर पर चली जाती है। और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि घर में एंजो भी मौजूद था। अब वो कब